आइए अभ्यास करते हैं। सो आज का फर्स्ट वर्ड है नीचे बैठना। नीचे बैठने को हम इंग्लिश में कहेंगे सिट डाउन। सिट डाउन मतलब नीचे बैठना। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, वो नीचे बैठ गया, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे ही सैट डाउन। ही सैट डाउन, वो नीचे बैठ गया। नेक्स्ट है पालथी मारकर बैठना। पालथी मारकर बैठने को हम इंग्लिश में कहेंगे सिट क्रॉस लेग्ड। सिट क्रॉस लेग्ड मतलब पालथी मारकर बैठना। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, खाना खाते समय पालथी मारकर बैठो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे सिट क्रॉस लेग्ड व्हाइल हैविंग फूड। सिट क्रॉस लेग्ड व्हाइल हैविंग फूड। नेक्स्ट है उठ कर बैठना। उठ कर बैठने की इंग्लिश को हम कहेंगे सिट अप। सिट अप मतलब उठ कर बैठना। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, उठ कर बैठो और थोड़ी कसरत करो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे सिट अप एंड डू सम एक्सरसाइज। सिट अप एंड डू सम एक्सरसाइज। नेक्स्ट है घुटनों के बल बैठना। घुटनों के बल बैठने को हम इंग्लिश में कहेंगे नील। नील मतलब घुटनों के बल बैठ। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, वो बच्चे से बात करने के लिए घुटनों के बल बैठी, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे शी नेल्ट डाउन टू टॉक टू द चाइल्ड। शी नेल्ट डाउन टू टॉक टू द चाइल्ड। नेक्स्ट है उकड़ू बैठना। उकड़ू बैठने को हम इंग्लिश में कहेंगे स्क्वाट। स्क्वाट मतलब उकड़ू बैठना। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, वो उकड़ू नहीं बैठ सकता, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे ही कांट स्क्वाट डाउन। ही कांट स्क्वाट डाउन। जैसे इसका ये एक और एग्जाम्पल है, वो उकड़ू बैठ गया, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे ही स्क्वाटेड डाउन। ही स्क्वाटेड डाउन। नेक्स्ट है टांगे फैलाकर बैठना। टांगे फैलाकर बैठने को हम इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेडल। स्ट्रेडल मतलब टांगे फैलाकर बैठना। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, टांगे फैलाकर मत बैठो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे डोंट स्ट्रेडल। डोंट स्ट्रेडल मतलब टांगे फैलाकर मत बैठो। नेक्स्ट है खाली बैठना। खाली बैठने को हम इंग्लिश में कहेंगे सिट अबाउट, या फिर आप इसे सिट अराउंड भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब होता है खाली बैठना। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, खाली मत बैठो, जाकर कुछ काम करो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे डोंट सिट अबाउट गो एंड डू सम वर्क। डोंट सिट अबाउट गो एंड डू सम वर्क। नेक्स्ट है बगल में बैठना। बगल में बैठने को हम इंग्लिश में कहेंगे सिट बिसाइड समवन, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं सिट नेक्स्ट टू मी समवन। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, मेरे बगल में बैठो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे सिट बिसाइड मी, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं सिट नेक्स्ट टू मी। नेक्स्ट है नीचे बिठाना। नीचे बिठाने को हम इंग्लिश में कहेंगे सिट समबडी डाउन। सिट समबडी डाउन। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, उसने बच्चे को नीचे बिठाया, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे ही सेट द चाइल्ड डाउन। ही सेट द चाइल्ड डाउन। नेक्स्ट है गोद में बैठना। गोद में बैठने को हम इंग्लिश में कहेंगे सिट ऑन समवन लैप। सिट ऑन समवन लैप। जैसे इसका ये एग्जाम्पल है, आकर मेरी गोद में बैठो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे कम एंड सिट ऑन माई लैप। कम एंड सिट ऑन माई लैप। नेक्स्ट है धम से बैठ जाना। धम से बैठ जाने को हम इंग्लिश में कहेंगे स्लंप। स्लंप मतलब धम से बैठ जाना। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, धम से मत बैठो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे डोंट स्लंप। डोंट स्लंप मतलब धम से मत बैठो। नेक्स्ट है आराम से बैठना। आराम से बैठने को हम इंग्लिश में कहेंगे सिट बैक। सिट बैक मतलब आराम से बैठना। जैसे इसका ये एक एग्जाम्पल है, आराम से बैठो और सवारी का आनंद लो, तो आप इसकी इंग्लिश ऐसे बनाएंगे सिट बैक एंड एंजॉय द राइड। सिट बैक एंड एंजॉय द राइड। सो दैट्स इट टुडेज वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिखकर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।